احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي مجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين लाजिक्राम असल वरहल वबरक़ा तालिबात कुरान सीरीज़ में आपको खुश आमदेद कहते हैं अलहमदिल्ला हकीम के एक एक पारे का मताल किसी दर्जे में एक नशे में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं आज इन शाह छब्बीसवें पारे का मताल हमारे पेश नज़र रहेगा हमेशा की तरह सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में तारुफ़ आपके सामने रखना चाहेंगे तारुफ़ के हवाले से पहली बात कुरानी करीम के पारा नंबर छब्बीस का मताल आगे मज़ीद लिखा है सुरतल रुकू नंबर एक तसुरियात रुकू नंबर चार ये मकामात हैं जो छब्बीस पारे में शामिल और इसी तरह सूरत-ul-अहकाफ़ आयत नंबर एक तसरतलजारियात आयत नंबर तीस ये इन सूरतों की आयात और इनके दरमियान जो सूरतें हैं वो छब्बीस पारे में शामिल हैं मकासदे मतालब के सामने रखते हैं हमेशा की तरह आप तो आपको याद हो गया होगा पहली बार पारा नंबर छब्बीस की आयात के मजामी का जायजा एक ओवरव्यू हमारे सामने आता है फिर मुंतब आयात का मतालबा के सामने रखते हैं कुछ रहनुमाई की बात हमारे सामने आती है कुरानी करीम की आयात की रोशनी में और साथ ही जेर मुताल आयात में बयान शुदा अहम अवामिर का तस्करा आज भी आपके सामने करेंगे डूज एंड डोंट्स का बयान बात को आगे बढ़ाते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले रबते सूद

अब सूरत अहकाफ़ में मुशिकीन मक्का के तकबर और कौम आद की तबाही का जिक्र है मुशिकीन मक्का भी तकबर में मुबला हो रहे हैं उनको वास किया जा रहा है नसीहत की जा रही और कौम आद तकबर का रवैया अख्तियार किया तो उसकी तबाही का भी जिक्र हो रहा है इसके बाद चलते सुरुतल अहकाफ के मजामी का तजिया करने की तरफ एक ओवरव्यू पहले आपके सामने रखेंगे आयात तेरह था सोलह मिसाली किरदार उमदा फर्मा बर्दारी वाला किरदार बयान हुआ आयात सत्रह था बीस बुरा किरदार अल्लाह की भी नाफरमानी और माँ बाप की भी नाफरमानी करने वाला किरदार उसका तस्करा है फिर आयात इक्कीस सा अट्ठाईस तारीख एगी इनशाला पैंतीस का तजिया की, तो की सूरत में हमारे सामने आया अब आयत ब आयत भी आपके सामने तजिया रखेंगे ताकि सूरत के मजामिन हमारे सामने और खुलकर आ जाए सूरत का जायजा आयत बा आयत अब आपके सामने रखेंगे इनशाला पहली चार आयत क्या शिरक़ के जुर्म का कोई जवाज है खालिक अल्लाह है मालिक अल्लाह पूरी आसमान और ज़मीन और कायनत का पैदा करने वाला झूठे मबूद तो कुछ भी नहीं कर सकते कोई जवाब है तुम्हारे पास अल्लाह के साथ शरीक करने का आयात पाँच ता छः रोज़ क़यामत मुशिकीन के मबूद उनके दुश्मन होंगे जिनको अल्लाह की उलूहियत में और खुदाई में शामिल किया गया वही ख़ुद इनके खिलाफ कल अल्लाह के सामने गवाही दे रहे होंगे आयात सात ता आठ कुरानी हकीम पर मुशिकीन के एतराज और इन एतराज़ा का जिक्र जा बजा कुरानी हकीम ने किया रसूल्लाह पर भी एतराज़ करते अल्लाह सलम कुरान पर भी اعتراض करते थे माआद अल्लाह फिर आयत नौ त दस हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम सच्चे नबी हैं और पहले भी अम्बिया और रसूल आते रहे और अब आप आखिरी रसूल के तौर पर आए ये जिक्र इस मकाम पर हुआ कि मैं कोई नया रसू रसूल नहीं मुझसे पहले भी रसूल आते रहे आयात ग्यारह था बारह कुरानी हकीम की आज़मत का उसकी बुलंदी या शान का बयान है आयात तेरह था चौदह मिसाली किरदार वो बंदा जो अपने लिए भी शक्र की तोफ़ी अल्लाह से मांगता है और अपने वालदे के लिए भी और अपनी औलाद की असलाह की तोफ़ी भी अल्लाह से मांगता है आयात पंद्रह तोलह अल्लाह का बंदों के लिए अजीम तोहफा एक ईमान अफरोज़ दुआ जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया यानी वो रवैया मिसाली किरदार है जो अल्लाह का भी फर्मा बरदार माँ बाप का भी बरदार, और अब उस रवैये के तालुक से एक दुआ का जिसका जिक्र मैंने पहले किया अल्लाह से शुक्र की तोफ़ी मांगना और औलाद की असलाह की तोफ़ी मांगना आयात सत्रह था उन्नीस बुरा किरदार और उसका बुरा अंजाम माँ बाप की बात भी नहीं सुनता जो खैर की तरह बुलाते हैं अल्लाह को नहीं मानता आखरत को नहीं मानता ऐसे बुरे किरदार के बुरेजाम

छब्बीस हलाक होने वाल ओ को मिला थाों ने तबाही से क्यों ना बचाया मुशीकी ने मक्का को बताया जा रहा है जिन झूठे पर तकियर किए बैठे हो पिछलों को भी देखो किस किस की पूजा पाठ की कोई बचाने को नहीं आया जब अल्लाह का हुक् नाजिल हुआ और सादिर हुआ आयात उनतीस सलाम से फजर की नमाज में कुरान की तिलावत सुनी एक मरतबा दो रगत में तिलावत सुनी और ईमान भी ले आए सुबह अजीम कलाम के कायिल भी हो गए और अपने कौम की तरफ कुरान के मुबलिक और दाई बनकर लौटे आगे लिखा है आयात इकतीस की दावत जिन्नात की जबानी ए हमारी कौम के लोगों अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की पुकार को कबूल करो इसी में तुम्हारे लिए खैर है और जो अल्लाह की तरफ दाई जो है बुलाने वाला है दावत देने वाला उसकी बात को नहीं मानेगा फिर वो अल्लाह की पकड़ का शिकार होगा और वो अल्लाह के फैसलों को आजिश नहीं कर सकता इसके बाद आयात तैतीस से चौंतीस पूरी कायनात का खालिक क्या इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता जो पूरी कायनात का बनाने वाला चलाने वाला उसके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल और आखिर में आयत नंबर पैंतीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर की तलकीन मिना पिछले हिमत का जिक्र करके अल्लाह के पैगमराम को फरमाया जा रहा है आप भी उनकी तरह सबर कीजिए इसकात का मुजाहराजिए नाजिक राम ये तो जायजा मुकमल हुआ अहकाफ की आयात का इसके बाद चलते हैं चंद मनत आयात के मुत की तरफ पहली आयत जिसका इंतखाब किया गया सुरतुलाकाफ आयत नंबर पंद्रह घर वालों के लिए कीमती दुआ अपने लिए माँ बाप के लिए औलाद के लिए बड़ा प्यारा मकाम और अब भी

अपने लिए कि अल्लाह नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे वालदेन के लिए भी और इस बात की तौफीक में कि औलाद में सलाह का मामला हो जाए इस्लाह का मामला हो जाए औलाद में तकवा पैदा हो जाए इन दो, इस दुआ को हमें हमारे मामूलात में शामिल करना चाहिए अल्लाह मुझे और आपको तौफीर अता फरमाए ईमान एक महफिल हमारे भी होती है सुना जाता है पता नहीं क्या कुछ और एक कुरान की समात की महफिल है और अजीब मकाम कुरूबूरत मकाम का, जिन्नात ने कुरान सुना एक दफा सुना

कहने लगे कि खामोश हो जाओ फिर जब पढ़ना तमाम हुआ तो अपनी قوم के लोगों को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए कहने लगे कि ए कौम हमने एक किताब सुनिए जो मूसा के बाद नाजिल हुई है जो किताबें उससे पहले नाज़िल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है यह है जन्त का सिमाय कुरान और तिर आप पढ़ेंगे रवायात में जिक्र आता है कि फ़जर की नमाज़ सी अल्लाह के पैगमर आलम तलावत फ़रमा रहे थे कुरान की और वादी नखला का ही मशहूर वाक़ा है और ताइस वापसी का मौका है और जन्ात ने कुरान तवज्जो से सुना है और एक दूसरे को खामोश रहने की तलखीन भी की तो यह कुरान का एक अदब भी बयान हुआ कि खामोश रहो और तवज्जो से कुरान को सुनो और सिर्फ कबूल ही ना किया बल्कि जिक्र हो गया कि मूसा सलाम के बाद नाजिल हुई मालूम होता है कि साहिब ईमान जिन थे अब नबी अक्रमलाम पर भी ईमान ले आए जो कि आखिर रसूल हैं और सिर्फ ईमान न लाए बल्कि अपनी कौम की तरफ दावत देने वाले बनकर लौटे हैं इसका जिक्र आगे आ रहा है अगली आयत भी आपके सामने रखते हैं जो आयत नंबर इकतीस और फिर

यह आतमर इकत्तीस का हुआ तर्जुमा और ये दावत देने जिन्नात पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा न सुना चंद आयात फ़जर की नवाज़ में सुनी है ईमान भी ले आए और कुरान के दागे भी बन गए हम जो कुरान को पूरे के पूरे कुरान को मानते भी हैं पढ़ते भी हैं समझते भी हैं हम क़ुरान की दावत और तबलीग के फरीज़े को अंजाम देने के अतबार से कहाँ खड़े हैं इस तल्लक से इन जन्नात से सबक हासिल करना बहुत मुफीद रहेगा अल्लाह मुझे और आपको तोहफी अता फ़रमाए ना ज़िक्राम सूर आकाफ़ के बाद सूर महमद का आगाज होता है सल्लल्लाहु अलैहि अलबत्ता पहले रबत सूरत हमेशा की तरह आपके सामने रखेंगे सूरतुल अहकाफ़ में कौम आद की तबाही और हलाकत का जिक्र था सूर महमद सल्ला वसलम में मुसलमानों के हाथों मुशिकीन की हलाकत के हवाले से तजिरा है आहकाफ में आदि की हलाकत और सूर में मुशिकीन की हलाकत का तस्करा हो रहा है सूर महम्मद मदनी सूरत है सल असलम इसका एक और नाम सूर कताल भी है और कताल के हवाले से भी सूरत में कुछ हिदयात अता हुई हैं आइए इसके मजामी का तजिया पहले आपके सामने रखते हैं पहली पंद्रह आयात मुमिनों और काफरों का किरदार और अनजाम बयान हुआ है फिर आयात सोलह तो इकतीस मुनाफाना किरदार की मजम्मत के दुनिया का फायदा मिलता हो तो आगे बढ़ बढ़ कर चिल्ला चिल्ला कर अपने तकाजे पूरे करवाना और अल्लाह के तकाजों का तकाजा आए पूरा करने का तो फरार इख्तियार कर लेना माज अल्लाह आयात बत्तीस से चौंतीस काफिरों की मजम्मत की गई खुले काफरों का बयान है और आयात पैंतीस से अड़तीस मुमिनों के लिए हिदायत अल्लाह kh ना की राह में माल भी खर्च करना और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ना पीछे न हटना ना जिक्र इसके बाद सूर्य मोहम्मद सल असलम की आयात का जायजा आपके सामने रखते हैं यानी आयत बा आयत क्या मौजूद आए उनका तस्करा सबसे पहले पहली तीन आयात दो कौमी नजरिए का बयान सुबहानल्ला दो कौमी नजरिया आपको याद है ना पाकिस्तानी स्टडीज में कभी मौजूद हुआ करता था पता नहीं अब पढ़ाया जा रहा है कि नहीं अब तो लिबरलिज्म के नारे हैं और सेकुलरिज्म की बातें हैं बहर हाल, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले यही दो गिरोह हो सकते हैं दुनिया में यही दो असल अक़वाम हैं दुनिया में यही दो असल रवैये हैं दुनिया में अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले अल्लाह की, की मानने वाले और अल्लाह की ना मानने वाले बस ये दो ही फ़र्क वाले पहलू हैं इसका तस्करा पहली तीन आयात में फिर आयात चार तछे काफरों के साथ जंग के बारे में हिदायत अता की गई हैं और आपके इल में रहे कि सुरुतुलबकर हिजरत के बाद नाजिल हुई उसमें भी कताल का कुछ तस्कर आता है और सूर मोहम्मद सल्ला उसी दौर में नाजिल हुई इसमें भी कताल के हवाले से हिदायत हैं आयत नंबर सात अल्लाह की मदद किन के लिए आती है जो अल्लाह के दीन की नुसरत का, का काम करें इस पर आगे बात करेंगे इन शाह आयात आठ तक ग्यारह काफिर बर्बाद होकर रहेंगे वक्ती तौर पर उबाल है लेकिन दरअसल इनके लिए खात्मा हलाकत का ही होगा कुफ्फार के लिए बात हो रही आयत नंबर बारह काफी दुनिया में क्यों मजे कर रहे हैं इसलिए कि दुनिया में खूब मिल जाएगा आखिरत में इनके लिए कुछ नहीं है अल्लाह दुनिया में जानवरों को भी तो दे रहा काफरों को दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है ये ने किया है आखिर में इनके लिए कुछ नहीं है आया तेरह था चौदह नबी अब जारी है पंद्रह जन्नत के मशरूबात का बयान चार कस्म की नहरों का यहाँ जिक्र आया है फिर आयात सोलह था अठारह मुनाफिकाना तर्ज अमल का बयान दावे बहुत ईमान के मगर अमल में जीरो हैं आयत नंबर अपनी नेकियों पर नाज नहीं करना चाहिए अल्लाह की अता है जिसकी तो राह में निकलने का मौका है तोबियत याफ्ता लोगों की हुकूमत से खैर फैलता है अल्लाह ने कताल की इजाज़त भी पहले दिन नहीं दी आगाज वही के पंद्रह बरस के बाद बदर का मार का पेश आ रहा है और तेरह बरस के बाद हिजरत के दौरान काल की इजाजत मिली है वरना इन इमिच्योर कस्म का कोई एक्शन लिया जाए तो आमतौर तो पर उसके नतज अच्छे नहीं हुआ करते तो यहाँ जिक्र है कि तरबियत याफ्तर लोगों की हुकूमत से खैर फैलता है फिर आयत नंबर चौबीस मुनाफिकत का इलाज कुरान पर तदब्बर क्यों इस कुरान पर गौर वफ़िक से हिदायत भी मिलेगी ईमान मिलेगा और ईमान ज़िद है निफाक की आयात पच्चीस से छब्बीस शैतान धोखे देकर मुनाफिक बना देता है और दुनिया को बड़ा सब्ज बाग बनाकर पेश करके आखिरत से गाफिल करने की कोशिश करता है आयात 27 से 28 मुनाफिक की अजियत नाक मौत और कताल के मराहल जब भी आते हैं इनको अपनी मौत दिखाई देती है लेकिन मौत तो आकर रहेगी मगर अल्लाह के दिए चुरा कर जो मौत आएगी वो अजियतनाक होगी अल्लाह अल्ला हमारी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए आयात उनतीस से इकतीस अल्लाह तला आज़माइश के जरिए मुनाफों को जाहिर कर देता है ये हकोबातल की कश्मकश के दौरान वाजे होकर रहेगा कौन खरा है और कौन खोटा है आयात बत्तीस से चौंतीस गुस्ताखान रसूल की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी कुफार का जिक्र हो रहा है आयत नंबर पैंतीस हिम्मत ना हारो डट जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ

80 ग्राम इसके बाद सूर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुंतखब आयत आपके सामने रखेंगे पहली आयत आयत नंबर सात अल्लाह की नुसरत का حصول कैसे इरशाद हुआ या अय्युहल लजीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युथabbit अक्दामकुम तर्जुमा ए अहले ईमान अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी, तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा आयत नंबर सात का तर्जुमा अल्लाह की मदद मिलेगी तो पैर और कदम मजबूत होंगे और अल्लाह की मदद कैसे मिलेगी तो अल्लाह की नुसरत करो मुराद क्या है अल्लाह के दीन की नुसरत करना अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए जिद्द जहद करना ये करोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी मुराद क्या है अल्लाह के दीन को थामना उसकी सरबुलंदी की जिद्दोजहद करना तब अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी फजाए बदर पैदा करते फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दूसरे कतार अंदर कतार अब भी इसके बाद अगली आयत जिसके इंतखाब किया गया कि वो आखिरी आयत है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 38 रुख फेर लेने का बुरा अंजाम इरशाद हुआ हा अंतुम हा उलाई तुदऊना लितुनफिकू फी سبيل الله फमिनकुम मै यबखल वमै यबखल इमना यबखल अन नफ्सि والله الغنی وعंतुम الفقरा वइंत तवल्लौ यस्तबदिल क़ौम الغيرकुम थम्मा ला यकून अमसालकुम

तो अल्लाह पुकार रहा है बुला रहा है अल्लाह के में खर्च करने के लिए और अल्लाह के दिन की सरबुलंदी की जिद्दोजहद के लिए आज हमारा फरीजा मुसलमानों का उम्मत मुस्लिमा का नहीं करोगे अल्लाह तुम्हें हटाकर किसी और को ले आएगा मगर वो तुम्हारी तरह तो ना होंगे तुम्हें सोचना है कि तुम्हारा हशर क्या होगा अल्लाह हमें इससे महफूज रखे और अपने कलमे और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल वक्त औलाद उला, सलाहियत सब कुछ को खपाने की तोफ़ी अता फरमाए नाजिक राम अल्हम्दुलिल्लाह सूर मोहम्मद सल्ला के मुद अब सुरोतुल्फत का आगाज हुआ चाहता है पहली सात आयात सुलह उदैबिया की बरकत का तस्करा है फिर आयात आठ था सत्रह अल्लाह अलैहि वसल्लम की आजमत का बयान है फिर आयात अठारह अट्ठाईसों की तहसीन का बयान बैत का भी इस मकाम पर आया है फिर आयत नंबर उनतीस अल्लाह के महबूब बंदों के औसाफ नाजिक राम इसके बाद सुरह फतेह की आयात का जायजा आपके सामने रखते हैं यानी मौजूद के अतबार से आयत बाजी आपके सामने रखेंगे पहली तीन आयात सुलह उदैबिया खुली फतह है छह हिजरी का वाक़ उम्रे से रोक दिया गया बज़ाहिर दबकर सुलह मगर अल्लाह कहते हैं कि खुली फतह है और सुलह उदयबिया छह हिजरी चौदह सौ सहाबा रज़ी अल्लाह तन मजमैन रोक दिए गए और पौने दो बरस बाद आठ हिजरी दस हज़ार का लश्कर रसूल आलम लेकर गए और मक्का फ़तह हो गया बग़ैर किसी जंग के तो खुली फ़तह सुलह फिर आयात चार था पाँच सहाब कराम पर अल्लाह ताली के इनाद कितने बड़े मामले के मौके पर सबर की तोफ़ी अल्लाह ने नेता फरमाई जबकि उम्र से रोक दिया गया आयात छः था सात मुनाफिकीन और मुशिकीन पर अल्लाह ताली की लानत का जिक्र आयात आठ था नौ अल्लाह तसूल सल्लासम की आजमत का बयान फिर आयत नंबर दस बैत रजवान की तहसन वह बैत जो की गई थी सुलहदिया के मौके पर और दरख्त के नीचे उस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है उसकी तहसीन की जा रही है आयात ग्यारह बारह अल्लाह ताला की राह में निकलने से गुरेज का कोई जवाज़ नहीं ये मुनाफिकीन थे जो बहाने बनाकर अल्लाह की राह में निकलने से फरार इख्तियार करते आयात तेरह था चौदाह रसूल सल्लाम का साथ ना देने वाला मुमिन नहीं है सच्चा ईमान वाला और अलैहि आसमाम की इताद भी करेगा पैरवी करेगा हर हुकुम पर हाजिर रहेगा आयत नंबर पंद्रह फतेह खैबर की बशारत और मुनाफिकीन की महरूमी कि वो उससे महरूम कर दिए गए हुदैबिया सुनह उदैबिया छह फतह फतेबर सात हिजरी और खैबर की फतह के वक्त बड़ा माल मिला मुसलमानों को मगर सिर्फ उनको जाने की इजाजत थी जो सुनह उदैबिया के मौके पर मौजूद थे तो मुनाफिकीन महरूम कर दिए गए आयात सोलह सतराह मुनाफिकीन के लिए एक और आजमाइश आने वाली है आइंदा काल का मौका आएगा फिर इनकी आजमाइश होगी आयात अठारह इक्कीस बेत रिजवान करने वालों के लिए बशारत है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया इसके बाद आयात बाईस चौबीस अगर मुश्किन जंग करते तो पीठ फेर कर भागते अल्लाह ताला तसली दे रहे ईमान वालों को ये तो अल्लाह ने सुलह करा दी अगर कर जंग होती तो ये पीट फिर कर भागते आयत नंबर पच्चीस जंग रोकने की मसलहतें एक अहम मसलहत ये थी कि मक्का मुकरमा में कुछ मुसलमान रह गए थे हिजरत ना कर पाए थे बूढ़े होंगे औरतें बच्चे वो बच गए वरना अगर जंग होती तो उनमें से कितने न जाने शहीद हो जाते ला में आयत नंबर छब्बीस साहब इक्राम की मदा हो तहसीन अल्लाह ने उनके ईमान वाले होने का ऐलान फरमाया। आयत नंबर सत्ताईस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच साबित हुआ अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था कि आप तशीफ ले गए हैं फिर आप सहाबा को लेकर बिल फैल गए उमरे के इरादे से छः हिजरी में सुलह हुदैबिया हो गई फिर अगले साल सात हिजरी में उम्रा, भी किया आप ने। फिर आयत नंबर अट्ठाईस का मकसद सुलह नहीं गलबा दीन है ये वक्ती सुलह का मामला है आप तो दीन के गलबे की जिद्द जहद पर मामूर हैं और यही मिशन है आपका लियोरा दीन कुल्ली के आप अल्लाह के दीन को कायम और गालिब करके दिखाएं और आखिरी आय आयत, आयत नंबर उनतीस अल्लाह के महबूब बंदों के औसाफ इनका तस्करा है और इस पर आगे बात भी करेंगे इनशा आयात में नाजिक्राम एक वफफे का वक्त हुआ चाहता है तो लेते हैं वक्फा मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद वाली वरहमतल वरकत नाजिक राम आपको तलीमत कुरान सीरीज में खुश आमदीद कहते हैं और अलहमदिल्लाम के छब्बीसवें पारे का मुताल करने की कोशिश कर रहे हैं वफे से पहले सूर्य फतह के हवाले से आयात का तजिया और जायजा आपके सामने रखा गया अब आइए सूर्य फताह की चंद मंतब आयात का मतला आपके सामने रखें पहली आयत आयत नंबर अट्ठारह जिसका इंतबाब किया गया बैत रिजवान और असहाब शरा बिजवान यही सुरहिया वाली रिजवान क्यों कहा गया अभी आ जाएगा आपके सामने और शजरा शजर कहते हैं दरख्त को दरख्त के नीचे बैत ली गई थी तो उस बैत के करने वालों को शजरा भी कहा जाता है इर्शाद हुआ सुरह फ आयत नंबर अठारह में लकिन तर्जुमा अल्लाह राज़ी हो गया उन से जो ए नबी सब सल्लाम के हाथ पर बैठ कर रहे थे दरख्त के नीचे और जो सदलू उनके दिलों में था वो उस अल्लाह के इल्म में था तो उन पर तसली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फ़तः इनायत की अल्लाह राज़ी हो गया अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहे और चौदह सौ साहब कराम ने बैठ की थी तो अल्लाह सबसे राज़ी हो गया और क्यामत तक के लिए अल्ला ने सहाबे कराम से अपनी रजा मंदी का या राजी हो जाने का ऐलान फ़रमाया इस बैत को बैतः रिजवान कहने की यह भी वजह कि इन लोगों से अल्लाह राज़ी हो गया बैत अल्लाह के नबी नबीम ने कई मौक़े पर ली है और दीन इस्लाम की तालीम के मुताबिक दीनी जमात क़ायम करने के लिए भी जो तस्वुर हमें मिलता है वो बैत का तस्वुर मिलता है कि एक अमीर के हाथ पर बैत करके जमाती नज्म को चलाया जाए अगली आयत जिसका इंतखाब किया गया आयत नंबर उनतीस सूरह फतह की सहाबा-ए-किराम कराम रज़ी अल्लाह अल्लाम अजमैन की शान और सिफात का بيان. إشعاد هو ہے محمد الرسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود तर्जुमा मुहमद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग के जो उनके साथ कुफार के मुकाबले में बड़े सख्त हैं और आपस में इंतहाई नरम हैं तुम उन्हें देखते हो रुकू करते और सजदा करते हुए वो अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं उनकी निशानी है उनके चेहरों में सजदों के असरत अल्लाह अकबर ये साहब कराम की शान अविन तौर पर और कुार जो कि दीन के दुश्मन उन पर सख्त और ईमान वालों के लिए बड़े नर्म दिल यही ईमान वालों से मतलूब है और रुको सजदा करते हुए ये रातों के कयाम की तरफ भी इशारा ये सजदों के असरा से मुराद ये माथे का निशान नहीं जो नमाज का कुछ लोगों के माथे पर आ जाता है बल्कि इससे मुराद अल्लाह वालों के बंदों के चेहरे हैं जो चेहरे बताते हैं अल्लाह वाले हैं जिनको देख कर अल्लाह याद आता है हरीस के मुताबिक और जो शबरोज़ अल्लाह की फन में लगे रहते हैं अल्लाह हमें ऐसी सिफ़ात पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाई नासिक राम इसके बाद सूरत हजरात का आगाज़ होता है और नोट कीजिएगा सूर मोहम्मद सल व्म भी फिर सूर फतह भी और अब सर हजरात भी मदनी सूरतें हैं उससे कबल मकीतों का मुताल कर रहे थे अलबत्त सूर्य हजरात के आगाज़ से कबल रबूत आपके सामने रखेंगे नोट फ़रमाइएगा सूरतलफ़ में गलब दीन इस्लाम का बयान था और यही मशन रसूल अक्रम सम का अब सूरत हजरात में गलब दीन इस्लाम के बाद कायम होने वाली इस्लामी रियासत के लिए अहकाम का ज़िक्र है किताल का एक मकसद क्या था ग़लब दीन गलब दीन हो जाए तो इस्लामी रियासत कायम होगी उसमें क्या अहकाम होंगे रियासत के लिए क्या अमूर है अफराद के लिए क्या मामला है माशरत के लिए क्या रहनुमाई ये काफ़ी कुछ सूर्य हजरात में हमारे सामने आता है और आपके लिए भी होगा सूर्य हजरात काफ़ी जो बोर्ड्स हैं हमारे ग्रेजुएशन के उनके सिलेबस में भी इस्लामिक स्टडीज़ में शामिल है निसाब में शामिल है बात को आगे बढ़ा दें सूर्य हजरात के मजामी का तजिया पहले आपके सामने रखते हैं इस हवाले से नोट फरमाइएगा आयात एक था पाँच और सात और आठ इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियादों की वजाहत इस्लामी रियासत एक नज़रिए कायम है तो अल्लाह की तहत अल्लाह के रसूल आलम ये दो असल बुनियादें इस तल्लु से आयत एक था पांच और फिर सात और आठ में इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियादों का तस्करा है इसके बाद आयत छः और फिर नौ था बारह मिलत इस्लामी की शराजाबंदी के लिए अहकाम उम्मत को जोड़ने वाली शय क्या है उसका तस्करा उम्मत को तोड़ने वाली बातें क्या है उसका तस्करा ताकि इन बातों का लिहाज रखे उम्मत और उमत मुतहद रह सकेरती हदायत अदा की गई और फिर आया तेरह था अठारह इस्लामी रियासत में शहरीत की बुनियाद इस्लामी माशरे का दूसरे माशरों से ताल्लुक और ईमान हकीकी के बारे में हिदायत अता की गई हैं कलमा गो है तो मुसलमान बराबर के हक़ मुसलमानों के उस शख्स को अता हो जाएंगे हा, हा, हासिल हो जाएंगे जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए हकीक ईमान ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं इसके मुताबिक आखिरत में फ़ैसले होंगे फिर इस्लामी माशरे अगर गैरों के साथ रबता रखना चाहेगा कुफ़ार के लोगों के साथ तो क्या तल्लु की बुनियाद हो सकती है और हकीक़ी ईमान जो दिल में हो उसका इधार जिहादी सभी ला से होता है ये भी इन आयात में बात बयान की गई है इसके बाद नासिकराम राम सो हजरात की आयात का जायजा यानी आयत बा टॉपिक्स आपके सामने रखते हैं सबसे पहली आयत कोई कानून साजी सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी अपने मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ाओ ये इस्लामी रियासत का असल असूल है सारे कानून अल्लाह और उसके रसूल सलाम की तालीमात के मुताबिक होंगे खिलाफ नहीं हो सकते आया दो तपाश दस्तूर इस्लामी की जज्बातीफ़ती बुनियाद नबी अक्रम सल का अदब वाहतराम हर कौम को किसी हिरो की ज़रूरत हुआ करती है हमें किसी की ज़रूरत नहीं सारी इंसानियत के लिए उसवय हसना रसूल आल साम काार दिया गया उनकी ब्बत उनकी ताजीम उनका अदब उनका एहतराम ये सारा कुछ सूर्य हुजरात की आया दो था पांच में हमारे सामने आता है आयत नंबर छः बगैर तहकीक के फैसला न करो कोई अहम खबर आए तो तहकीक करके फिर आगे बढ़ाओ ऐसा न कि झूठी खबर फैल जाए लोगों को नुकसान हो जाए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की इतात न की तो मुश्किल में पड़ जाओगे बताया जा रहा है उनकी मानो तुम्हारी ख्वाहिशात पर अगर अमल होने लगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे वो तो रहमतुल आलमीन है तुम्हारे लिए रहमत का बाइस है वो भी और उनकी अता करदा आदिबात भी आयत 9 त 10 दो मुसलमान गिरो बाहम लड़ पड़े तो फौरन सुलह कराओ यानी कि तमाशा देखो नहीं चाहे दो मुसलमान अफ़राद हो या दो मुसलमान गिरो हो बाकियों को कहा गया सुलह कराने की कोशिश करो फिर आयत 11 त 12 वो मजलिसी बुराइयां जो दिलों को फाड़ देती हैं तफरका पैदा कर देती हैं नफरत पैदा कर देती हैं छह बुराइयों का तذکرہ है आयत नंबर ग्यारह बारह में बाद में बयान करेंगे तफसीर से इन फिर आयत नंबर तेरह आलमगीर मसावत इंसानी की बुनियाद वाहदत खालिक और वालदन सारे इंसानों में मजाहब मख्तल रंग मुख्तलि ज़बान मख्तलि नस्ल मुख्तलि खत्े मख्तल लहजे मख्तलि हैं लेकिन सब में दो बातें मुश्तरक हैं सबका खाल और सबके अवलिन वालदे आदमी मसलम इस नाते एक दूसरे के करीब आने का आगाज किया जा सकता है फिर आयत नंबर चौदह इस्लाम और ईमान का फ़र्क बहुत बुनियादी बात है बहुत कीमती बात है इकरार इस्लाम है और दिल से तस्दीक वो ईमान है फक यहां पर किया गया आयत नंबर पंद्रह में कौन है जो ऐसा ईमान रखें कि दिल में कोई शक और शुभा ना हो और आमल में फी का मुस्तकिल अल्लाह का बंदा बनने के लिए मेहनत अल्लाह की बंदगी की दावत देने के लिए मेहनत की बंदगी परिजाम को कायम करने की जिदोजहद के लिए मेहनत इस सारी मेहनत का तो हकीन कौन दिल में सच्चा हकी ईमान हो और आमल में जेहद फी सभी का तर्ज अमल नजर आ रहा हो फिर आया सोलह अठारह इस्लाम कबूल करना तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह का एहसान है तो जताओ नहीं कि तुम इस्लाम इसला, ले आए हो बल्कि अल्लाह की नमत मानो कि अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया कि तुम ईमान की दौलत और हिदायत की दौलत अता फरमा दी नाजिक राम इसके बाद अब चलते हैं चंद मनत आयात के की तरफ सूर हजरात के तल्क से आइए पहली आयत का मतला करें जिसका इंतबाब किया गया है सूर्य हजरा आयत नंबर दो एहतराम

तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा नबी की आवाज़ से आवाज़ ऊपर हो तो नेकियां बर्बाद जो नबी की रिसालत का इनकार करे नबी की सुन्नत का सिरे से इनकार करे जैसे कि मुनकरी ने सुन्नत क्या अंजाम होगा जो नबी की तालीम का मदाक उड़ाए क्या अंजाम होगा जो नबी के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे जो कहेगी इस पर तो अमल हो नहीं सकता ये तो बड़ा मुश्किल है इस तरह की हरकतें कहाँ लेकर जाएंगी बंदों को अंदाजा किया जा सकता है इसके बाद अगली आयत जिनका इंतखा किया गया वो आयत 11 और 12 जिनमें छह बुराइयों का तस्करा हुआ जिनसे हमें बचने को कहा गया आइए पहले आयत नंबर ग्यारह सुर हजरात की उसका मतलब आपके सामने रखें ये वो तीन बुराइयाँ हैं कि जो आमतौर पर एक दूसरे के सामने की जाती हैं मौजूदगी में की जाती हैं يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون ترجمه ईमान वालों मर्द मजाक न उड़ाएं मर्दों का मुमकिन है कि वो उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो और न औरतें मजाक उड़ाएं औरतों का मुमकिन है कि उन मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हों और अपने मुसलमान भाई को ताना न दो और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना बुरा अमल है और जो तोबा न करें बस वही तो तोलिम है ये तीन बुराइयाँ हैं जो एक दूसरे के सामने की जाती हैं हम इसको बड़ा हल्का समझते हैं मगर एक चिंगारी ही काफ़ी होती है बड़ी आग को भड़काने के लिए मजाक ना उड़ाओ हमारे मजाक आज झूठ का नाम है दूसरे को जगैर करने का नाम है इसकी कतान इस्लाम में मुमानियत है और मर्दों का जिक्र अलीहद औरतों का जिक्र अलीहदा एक इशारा कि इस्लाम में सेग्रीशन की तालीम है मर्दों के दायरेकार मर्दों के साथ मर्द औरतों के मामला औरतों के साथ महरम है तो ठीक है साथ बैठे खाए पिए सब मसला कोई मसला नहीं है कोई इशू नहीं है लेकिन जब ना महरम का मामला है तो फिर ये सैग्रीशन का हुक्म है इससे खास तौर पर एक वजह है कि मर्दों औरतों का जिक्र अलग हुआ फिर एक दूसरे को तान मत दो ताना देना और लूज लूजटॉक करना उभारना उसको तैश दिलाना गुस्सा दिलाने की कोशिश करना इससे भी दिल फटते हैं और बुरे नाम ना रखो अल्लाह माफ़ करे हमने सियासी बुनियादों पर भी बुरे नाम रखे हुए हैं ख़तों के हवाले से भी और कास्ट के अतबार से भी और अब तो हमने मजहबी मसलकों की बुनियाद पर नाम रखे हुए हैं ये गिरावट और घटियापन की इंतहा है अल्लाह माफ़ करें फरमाया कि ईमान लाने के बाद बुरा नाम ये बुरा अमल है फिसक़ है गुना है और जो तोहबा ना करें वही तो िम है नाजिक राम इसके बाद सूर्य खौफ का आगाज करेंगे और सूर्य खौफ मक्की सूरत और इससे आखिरी मंजिल कुरान की सातवीं मंजिल उसका आगाज भी होता है लेकिन पहले रबते सूरत आपके सामने पेश करेंगे सूरत और हजरात में माशरती तालीमात का बयान भी था फ में फिक्र आखरत का बयान है जिसकी वजह से बंदा ईमान के तकादों पर अमल करने पर आमादा होता है खौफ आखरत होगा तभी नक अमल करेंगे बदी बदी से बचेंगे इसका बयान अब सूर्य खौफ में आइए सूर्य खौफ के मदामीन का तजय आपके सामने रखते हैं आ बड़ा प्यारा अंदाज इस मकाम पर हमें मिलता है तीन रुकू है आइयन का एक तजय आपके सामने रखें रुकु नंबर एक अल्लाह ताल की सिफत कुदरत का बयान रुकु नंबर दो अल्लाह ताल की सिफत इल्म का बयान और रुकु नंबर तीन आखरत और उसमें नतज का बयान इस तरतीब से मजामी सूर्य खौफ में हमारे सामने आते हैं इसके बाद नाजिक्राम सूर्य खौफ की आयात का जायजा यानी आयत ब आयत अजी आपके सामने रखते हैं पहली पांच आयात काफिरों के दो एतराज हमीने से एक रसूल को कैसे खड़ा कर दिया गया और आखिरत कैसे बरपा होगी एतराज करते थे माज आयात की आसमान सबको पैदा करने वाला कौन आयात बारह था पंद्रह तारीख से इबरत सबका नाफरमान कौमों का तस्करा है आयात सोलह था अठारह अल्लाह तफत इल का बयान वीनों के ख्याल को भी जानता है बात करेंगे आगे इन शाह आयात नंबर उन्नीस मौत की सख्ती का बयान मौत की सख्ती बहुत शदीद है अल्लाह मेरी और आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाए आयात बीस सा बाईस मैदान हशर में हाजिरी हर एक पेश होगा आया तेईस सा उनतीस इंसान के साथ ही शैतान का अंजाम शैतान तो कहेगा मैंने तो उसको नहीं वरगला यह तो खुद ही बुरा बना बैठा था अल्लाह फरमायेंगे तुम दोनों जहनम में जाओगे शैतान भी उसकी पैरवी करने वाले भी आयत नंबर तीस जहन्नम का पेट नहीं भरेगा असतफिर जहन्नम में खुद जहन्नम कहेगी बहुत जगह अल्लाह जितनों को चाहे उसमें डाल दे अल्लाह हम सबको जहनम के आदाब से महफूज रखे आयात इकत्तीस पैंतीस जन्नत में कौन लोग जाएंगे रहामान से गैब में डरते रहने वाले वह जन्नत में होंगे अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए आयत नंबर छत्तीस सरकश कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो इसकी तलखीम की गई फिर आयत नंबर सैंतीस हक़ की मार्फत हासिल करने की दो सूरतें दिल जिंदा और बेदार हो या बंदा से हक की बात को सुने आयत अड़तीस से चालीस अल्लाह हर कमजोरी से पाक है आयत इकतालीस से चवालीस तमाम इंसानों को मैदान हशर में जमा करना अल्लाह के लिए आसान है और आखिर में आयत नंबर पैंतालीस ए नबी सल्ला वसम कुरान के साथ याद दहानी कराते रहिए तस्कर कुरान के जरिए

और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्याल गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम उसकी शेरक से भी उससे ज्यादा करीब हैं जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगेबान उसके पास लिखने के लिए तैयार रहता है ये अल्लाह ताला की सिफत इल्म का बारीक बीनी के साथ तस्करा के इंसानों के अंदर उठने वाले ख्याल से भी अल्लाह वाकिफ़ है और हमारा हर अमल हमारा हर कॉल रिकॉर्ड पर है और नीयतों को भी अल्लाह जानता है अल्लाह हम सब के हिसाब को आसान फरमाए नाजिक राम सूर्य खाफ के बाद छब्बीस से पारे में आखिरी सूरत शुरू होती हैत और मुकम्मद होती है सत्ताईस पारे में अलबारियात के आगाज़ से कबल रब फ में आखरत की जजा और सजा का जिक्र था नतज का बयान था सूरतियात में वो क्यामत के दलाइल का बयान है और अल्लाह सुबहान तला ने चंद कस्में भी खाई हैं और क्यामत का तस्करा फरमाया है इसके बाद सूरतारियात के मजामी का तजयिया आपके सामने रखते हैं पहली चौदह आयात वकू क्यामत और मुनक्रीन का इनकार आखरत फिर आयात पंद्रह था उन्नीस मुतकीन की सिफात और हसीन अंजाम का जिक्र फिर आयत नंबर बीस तक तेईस आयात इलाही का बयान अल्लाह के निशानियों का तस्करा फिर आयात चौबीस ता छियालीस व्यामत का तस्करा आयात सैंतालीस तक इक्यावन मुनक्रन का इनकार आखरत आयात बावन था साठ मुनकन हक के लिए वईदे और आहल ईमान के लिए हिदायत इसके बाद सूरतारत की वो आयात जो छब्बीस से पारे में शामिल है उनका जायजा आयत बात आपके सामने रखते हैं पहली छः आयात क्यामत जरूर आएगी कस्में खाकर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फरमायात सात ता चौदह क़्यामत का इनकार करने वालों का बुरा अंजाम जिक्र हुआ आयात पंद्रह था उन्नीस परहेजगारों के लिए हसीन इनामत और उनकी सिफात का जिक्र भी है आयात बीस था तेईस आयात अनफुसी और अर्जी क़ियामत के लिए दलील हैं कायनत में अल्लाह की निशानियाँ ज़मीन में भी अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं और खुद हमारे अंदर इंसानों भी अल्लाह की मार्फत की निशानियां मौजूद और आया चौबीस तत्तीस सैद्राहीम के लिए बशारत एक बेटे की विलादत जनाब इसम की विलादत फ़रिश्ते देने के लिए आए थे उसका तस्करा है प्रोग्राम का अख्ताम हम करते हैं हमेशे हदीस के बयान पर फरमान नबी सल्ला तलाम को दूसरे सारे कलामों पर ऐसी ही फजीरत है जैसी के खुद अल्लाह ताला को सारी मखलूक पर फ़ज़ीलत हासिल है ये बेहकी शरीफ की रिवायत है और नाज़िक राम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह ताला हमें तुरान हकीीम से मजीदी तल्लु की मजबूतियारए आमीन या रबीन व आखर उदावान वालक वरम वक्